अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इन्वर्टर कन्वर्टर रेक्टिफायर के दरमियान क्या फ़र्क है। ये वीडियो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर मींस डीसी टू एसी, इसका डिफिनेशन है जो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है इसको इन्वर्टर कहते हैं। अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ। इसके इस्तेमाल सोलर पावर सिस्टम और यूपीएस में किया जाता है। सेकंड है हमारे पास कन्वर्टर। कन्वर्टर मींस डीसी टू डीसी, इसका डिफिनेशन है जो डिवाइस डीसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है इसको कन्वर्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पावर सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मींस एसी टू डीसी, इसका डेफिनेशन है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है इसको रेक्टिफायर कहते हैं। अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ। ये पावर सप्लाई में भी इस्तेमाल होता है, बैटरी चार्जिंग में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।